ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन सबसे खराब, पाकिस्तान बांग्लादेश से पिछड़कर 102वें स्थान पर पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और GHI में उनका स्थान दक्षिण एशिया के देशों से भी नीचे है। ग्लोबल हंगर ट्रेंडिंग ने भारत के संबंध में चौंका देने वाले आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक भारत विश्व के उन 117 देशों में 102वें नंबर पर आ गया है जहां बच्चों की लंबाई के अनुसार वजन नहीं है, बाल मृत्यु ज़्यादा है और बच्चे कुपोषित हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2019 में कहा गया कि बच्चों को इस तरह से नुकसान पहुंचाने का आंकड़ा 20.8% है। रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व में बच्चों के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन यमन, जिबूती और भारत का रहा, जिसका फितसी 17.9 से 20.8 के बीच है। GHI में कहा गया है कि भारत में 6 से 23 महीने के बीच के उम्र के महज 9.6 बच्चों को ही न्यूनतम स्वीकार आहार दिया जाता है। रिपोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साल 2016 से 2018 के बीच कराए गए एक सर्वे के आधार पर बताया कि भारत में 35% बच्चे छोटे कद के हैं जबकि 17% बच्चे कमजोर पाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण CNNS ने देश भर में 19 साल तक के 1,12,000 बच्चों का आकलन किया था, जिसमें पाया गया कि कुपोषण के कमी में अपायों पाया गया है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के मुताबिक साल 2016 से 2018 में CNNS के आंकड़ों और GHI के आंकड़ों की तुलना करें तो भारत में बाल कुपोषण का स्तर कम है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब उन देशों से है जहां बच्चे पेट भर खाना नहीं खा पा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और GHI में उनका स्थान दक्षिण एशिया के देशों से भी नीचे है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी पीछे है, जिसकी ट्रेंडिंग क्रमशः 94, 88, 73 और 66। साल 2010 में भारत लिस्ट में 95 नंबर पर था जो 2019 में 102वें स्थान पर आ गया। साल 2000 की 113 देशों की सूची में भारत का स्थान 83वां था। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।